नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। फोटोशॉप CS3 में आज एक फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं हम लोग। कैसे एडिटिंग करेंगे, उसमें काम कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट क्या करेंगे, वह सारी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर फोटोशॉप से रिलेटेड वीडियोज़ आप सभी लोगों को मिलते रहती हैं। मैं फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर में आ गया हूँ। यहाँ से एक फ़ाइल लेने वाला हूँ मैं, यहाँ से CS3 में एक फ़ाइल लेके आया है मैंने, और यहाँ से फोटोशॉप को थोड़ा सा ये लेयर वाले ऑप्शन को लेके आ जाता हूँ, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। आपको ठीक तरीके से फ़ोटो और लेयर्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे, जो भी ऑप्शन है सारी चीज़ें नज़र आ रही है। ये है फ़ोटो हमारा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस फोटो में काम करने से पहले दो तीन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि इस फोटो में गड़बड़ी कहाँ है। गड़बड़ी दूर दूर तक कहीं बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, चेंजेस आपको नज़र आएंगे। इसको बड़ा कर लेता हूँ। इस फोटो में जब भी हम काम करेंगे तो इसमें चेंजेस नज़र आए हमको करके एक कॉपी बना लेते हैं इसकी। लेयर में आके इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, और आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पर कीबोर्ड के शॉर्टकट्स नज़र आ जाएंगे आपको, ताकि आप जो भी बटन क्लिक कर रहा हूँ वह सारी बटनें आपको नज़र आ सकेगी, इसलिए आप यहाँ पर कीबोर्ड के शॉर्टकट्स देखेंगे। मैं यहाँ पर कीबोर्ड के शॉर्टकट्स चालू कर चुका हूँ, देखेंगे ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, अब इस पर काम करते हैं। नहीं भी करूँ कोई दिक्कत नहीं। 16:9 में इसको सबसे पहले क्रॉप कर लेता हूँ, ताकि मुझे कंपेयर करने में आसानी हो, लेकिन नहीं करेंगे कोई बात नहीं, रहने दो जैसा है वैसे ही रहने दो। इसकी एक कॉपी बनाए खाली अपन ने, इस पर काम करेंगे। सबसे पहले आप इमेज में आना है, एडजस्टमेंट, ऑटो लेवल का एक बटन नज़र आ रहा है, और दो तीन बटने नज़र लाना है आपको, ऑटो लेवल और ये ऑटो कलर, ये दोनों बटनों को याद कर लेना है। ऑटो लेवल में जैसे ही दबाऊँगा वैसे ये एक अलग लेवल पर जा चुकी फ़ोटो, और उसके बाद ऑटो कलर में क्लिक करूँगा तो यहाँ से एक येलोइश कलर आ गया है, येलो कलर आ गया है, जो कि काफ़ी बेहतर है। अब इस पर थोड़ा सा काम करते हैं। लेवल में आना है और यहाँ से ऑटो में क्लिक करेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसको वापस इधर आएंगे और थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, सॉरी लाइट बढ़ाएंगे, एडजस्टमेंट ओके क्लिक कर देंगे। दो चीज़ें हो चुकी हैं। अब बहुत ध्यान से देखेंगे जूम करके तो यहाँ कोई गड़बड़ी नज़र आ रही है क्या? नहीं आ रही है। यहाँ थोड़ा सा लूप होल्स है, वो फेस में थोड़ा सा फिनिशिंग अगर आ जाती तो और बेहतर चीज़ें होती, ऐसा है नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ से कलर बैलेंस पे आएंगे और यहाँ से कलर बैलेंस करेंगे, इसको थोड़ा सा इसको इधर एडजस्ट करता हूँ, और यहाँ से इधर, और इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, बस हो गया काफ़ी इतना। और अभी आप देख लेंगे, अब इस पर थोड़ा फिल्टर चलाना है मुझे। इधर आना इमेज पोर्ट्रेचर, और ये पोर्ट्रेचर का फिल्टर है। ये फिल्टर आपके पास नहीं होगा, इस फिल्टर को चलाने के लिए आपको बाहर से डाउनलोड करके प्लगइन करना पड़ेगा, सारे फोटोशॉप में नहीं होता है। इधर आना है, वन क्लिक करना है स्क्रीन में, और ये पोर्ट्रेचर एक्टिवेट हो जाएगा, और इसको ओके क्लिक कर देंगे, और इसका परसेंटेज लेवल थोड़ा सा कम कर देंगे, 85% के आसपास कर देंगे, या 65% के आसपास करेंगे। ये फिल्टर चल रहा है, बहुत आसानी से चल जाएगा। कीबोर्ड की जो भी बटन प्रेस करूँगा, माउस की जो भी बटन प्रेस करूँगा, वो सारी चीज़ें आपको क्लियरली नज़र आने वाली है। ये फिल्टर चल गया, और अब इसके परसेंटेज लेवल कम करने के लिए इधर पे आना है, और यहाँ से पोर्ट्रेचर फेड, और देखेंगे पहले ऐसा था अब कुछ ऐसा है, पहले ऐसा था अब कुछ ऐसा है, तो चेंजेस यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। इस तरीके से ये चीज़ हो चुकी है। अब अगर चाहें आप तो इसका लाइट वगैरह थोड़ा सा कम कर सकते हैं जो नाक में है, लेकिन अगर इसको कम करेंगे तो इसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो इसकी ओरिजिनलिटी रहने देने के लिए अपन इसको ऐसे ही रखेंगे। इधर आना है और यहाँ से चेक कर लेंगे कि इसमें कौन सा कलर थोड़ा ज़्यादा सूट कर रहा है, और उस हिसाब से आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा ये वाला कलर, येलो वाला कलर अच्छा लग रहा है, तो मैं येलो वाला कलर चला देता हूँ, ओके ओके क्लिक कर देंगे, ठीक है। और इसकी कॉपी बना लेंगे। कॉपी कैसे बनाएंगे? यहाँ से सिलेक्ट आल और ये कॉपी, ठीक है, और वापस चले जाएंगे कंट्रोल जेड के साथ दो बार, कंट्रोल अल्टर जेड, एक और एक दो, तीन बार चले जाएंगे बस,
और वापस पेस्ट करेंगे तो इसकी कॉपी बन के तैयार देखेंगे। ठीक है, अब इसकी कॉपी का उपयोग कहाँ हुआ ये भी देख लेंगे। ठीक है, अल्ट के साथ में मास्क वाला बटन दबाएंगे तो ये पूरा मास्क लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ब्रश टूल लेंगे और यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। 100 100% है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में को दूसरे कलर का चाहिए तो थोड़ा अलग फोटो लगेगी, इसलिए मैं इसे ऐसा कर रहा हूँ। और उसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हो गया। अब इस लेयर को सॉफ्ट लाइट में क्लिक कर देंगे, इस सॉफ्ट लाइट में क्लिक कर देंगे और इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ देखिए, ये जो कलर था वो डार्क हो गया। कलर असल में ले कुछ और रहा था लेकिन बनाना कुछ और चाह रहा था, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, थोड़ा डार्क हो गया। अब आप इसको दोनों ही लेयर को कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लेंगे और अब आप कंपेयर करके देखेंगे पहले और अब में चेंजेस। पहले ऐसा था फोटो, अब कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। तो आप दोनों ही फोटो में चेंजेस देखेंगे कि किस तरीके से फ़ोटो में चेंजेस लाया जाता है, किस तरीके से काम किया जाता है, ताकि आप लोग किसी भी पर्टिकुलर फ़ोटो को, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को सेट करते टाइम, एडिट करते टाइम, बनाते टाइम, फोटोशॉप CS3 में कैसे टूल्स काम करते हैं, सारी चीज़ों को आपको समझाना ही मेन मोटिव था। और इसको एडिट करने का मेन पैटर्न सिर्फ यही है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और फिलहाल में यही वाली चीज़ थी और उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें। फ़ोटो को कैसे एडिट करना है ये चीज़ देखें, समझें, सॉफ्टवेयर को समझें। पूरी कोशिश करेंगे कि सॉफ्टवेयर में सारी ट्यूटोरियल बनाएं, वेडिंग एल्बम की बनाएं और फिनिशिंग की बनाएं, सारी चीज़ें बनाएं। प्लगइन्स आपको इंटरनेट में हज़ारों वेबसाइटें में मिल जाएंगे, नहीं मिल पाते तो आप डाउनलोड करिए, ऑफिशियल वेबसाइट से करिए और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं ही प्रोवाइड करूँ, लेकिन मैं प्रोवाइड इसलिए नहीं करता क्योंकि यूट्यूब के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, फोटोशॉप कंपनी के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उन सब चीज़ों को फॉलो करने की वजह से चीज़ें नहीं हो पाती। बहरहाल चीज़ें सिर्फ यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, जय भीम।